चौकी में जाके क्या सुबह ही से थाली बजा रहा है, रात चूहे दौड़ते रहते हैं तेरे पेट में। मैं लाली, मैं काली, मैं कर्मों वाली, अभी देती हूँ तुझे खाने को। माँ मेरी कापी नहीं मिलती, माँ मेरा मरना नहीं मिलता। गीता, रात कमीज हुई थी गीता, कहाँ रख दी? हाय राम, शांति, तेरा जूता कहाँ है? ये रहे मुर्दे, परमात्मा ने आंखें दी है तो देखने के लिए। मेरी काफी ना? जल्दी कर गीता। ये क्या है? पुष्पा तू तो बस माही पर तो गई है। बातें मत बनाओ जी। लेकिन मेरी कमीज जाने कहाँ डाल दी, तुम भी तो किसी बच्चे से कम नहीं हो जी। झूठ बोलती हूँ, इतने से थे जब इस घर में आई थी, पाल पोस के बड़ा भी कर दिया, जब भी वही लक्षण है तुम्हारे। अच्छा अच्छा जाओ तुम अपना काम करो, मैं सर्दी के मारे मरा जा रहा हूँ। हे भगवान, चलो। माँ स्कूल से देर हो रही है। दफ्तर से देर हो रही है क्या? एक हो तो निपट पी लो, सभी तो मेरी जान के लाज हो रहे हैं। माफ कर दे गीता, भूल गई। उधर मेरी तरक्की हुई, इधर मैंने नौकर रखा। इधर तुमने नौकर रखा, उधर मैं पलंग पे चढ़ के बैठी। 10 साल से तेरी सुन रही हूँ, ला अपने अपने डिब्बे। बेटा थोड़ा हमें भी दे दे, दे देना थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बड़ा कमीना यार। बेटा किसका है? अच्छा ये लो अपने अपने दे और छुट्टी करो। लो
तो सर्दी के मारे कुर्सी जम रही। वो भी मुन्ना स्वेटर पहना है ना बेटा? ये क्या है? तीन कमीज पहने, एक दो तीन, वन टू थ्री। ओ शान बेटे के पास तीन कमीजें हैं और मेरे पास एक, सिर्फ एक, दो भी नहीं तीन भी नहीं। कितनी सर्दी है बाहर, ये चाहता है यही बैठा हूँ तेरे कने। जा, एक बात कहूँ, मानोगी? अरे तू कहे और मैं ना मानू? झूठे कहेंगे, तुमने आज तक मेरी एक भी मानी है? अगर तू कुछ कह के तो देख। आज पहली तारीख है, तनख्वाह मिलेगी, गर्म कोट सिलवा लो। 110 तनख्वाह है, उसमें से दूध के पैसे देंगे, बनिए का हिसाब चुकाएंगे, फिर मंगल सिंह की लकड़ियों का बिल है, बीमे के पैसे, बच्चों के फीस, मकान का किराया, और तुझे मेरे कोर्ट की पड़ी। अच्छा, तुम मेरी नहीं मानते ना, मैं भी तुम्हारी एक नहीं मानूंगी। क्या नहीं मानोगी? बस कह चुकी, कोई बात ना मानूंगी। अरे बाबू, तेरी रानी जी है। क्या बेहुदा फैशन निकला है साहब जी, कपड़ों से तन ढांपते हैं ना कि नुमाइश करते हैं। ये देखिए, 4 साल हुए, वो मरांजा मरांजा इन कंपनी है ना, वो पुराने कोटों की दुकान, वहां से लिया था, अभी तक जा रहा है जी, और अब तो बिल्कुल ही जा चुका है। अंदर बैठे हो, बाहर निकलो तो बताएं। लॉ मनी ऑर्डर। कश्मीरा है, क्या भाव में दिया है? शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। जी माफ कीजिए। ओ गिरदारी, क्या था इस दिन सिर डाल के बैठा रहता है यार, तू हमसे कुछ ज्यादा काम करते हैं। कैश का मामला है। ओ कैश का मामला है तो उधर भी तनख्वाह का मामला है भाई, तनख्वाह का मामला। तनख्वाह? हाँ तनख्वाह।
खान भाई, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ये रोज के पैसे हमें दे दिया करे और हमारी तनख्वाह खुद ले लिया करे? हो सकता है, जरूर हो सकता है। और चल यार, किस चक्कर में पड़े, बंद कर इसको, चलो। आके हो जाए गिरधारी? हाँ हो जाए, हो जाए, हो जाए। क्यों शेर खान? हम तो तैयार है मेरी जान। तुम ही घर जाकर बीवी के पास बैठ जाएगा। रनमोरी? नहीं शेर खान, हमको बीवी की परवाह नहीं है। अच्छा। बुला दे तो लेके साहब। कितने पैसे डालता है गिरधारी? वो मुझे भी ले चलो यार, खूब महफिल रहेगी। अरे वाह, लालिक जान, लालिक जान, आठ आने दूंगा, एक पेड़ लूंगा। जाओ एक कबाब में हड्डी, जाओ। और जो थे कि तू ये बात सुनो, यहां से फुर्सत मिलते ही चले आओ। जरूर जरूर मेरी जान। मुनि, आज गिरधारी की बीवी खूब जलवा निकाल कर बैठी होगी। बीवी तो गिरधारी की खान, अपनी तो बस खान जी। चल भाई। नहीं मिलना, मेरा कैश कम हो रहा है। तो कैश कैसे कम हो गया गिरधारी, फिर से गिनना यार। मुझसे नहीं गिना जाता, कभी 101 रुपए आठ आने कम हो जाते हैं, कभी हमसे भी ज्यादा। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। ओ यार, क्या मर्द का बच्चा बनते हैं। उठ, मुझे गिनने दे, उठ उठ। अब क्या होगा? अब लड़का होगा, घबराता क्यों है? नहीं मुनि भैया, आज एक पाप की बात मन में आई ना, जब ये सब हुआ। क्या पाप की बात? यही शराब पीने की और क्या, मेरी बच्चों का पेट काटना और शराब पी डालना। भगवान शराबी को कभी माफ नहीं करता मुनि भैया। अब रहने देना। अरे तो भगवान को मुझसे ज्यादा जानता है यार, है अपना। उठ गए मामू, एक घंटा लगा दिया। 101 रुपया आठ आना कम है भाई। हाँ भैया, 101 रुपया आठ आने का फर्क है, इसका मतलब है कोई 100 रुपए वाला पैसे देकर नहीं गया। कम फर्क है, तो 11 आदमी ने 100-100 के मनी ऑर्डर करवाए हैं। ओ, तुम सब का पता लिखो ना। ए, मुझसे नहीं लिखा जाता खान भैया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो देखा नहीं गया? वो कौन? वही जिसके साथ तुम्हें मेरा झगड़ा हुआ था। कौन कहा? हाँ ये रहा, भेजने वाले का पता है? सलामतुल्ला शाह, 35/2 राजपुर रोड। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। मगर वो पैसे दे देगा? अरे खुद देगा कैसे नहीं, उसका अच्छा भी देगा। हमारा नाम खुद शेर खान है, शेर खान। अच्छा तो फिर चले। चलो नहीं, पहले सरकार के पैसे पूरे करो है? जी मगर अच्छा, ये 8.5 रुपए मेरे और ये सरकार के, सब गिना गिरा रखा है, खजाने में भिजवा दिया। यही है सलामतुल्लाह शाह का। बेटा ठहरो, हम भी आते हैं। नहीं नहीं, तीनों जाएंगे तो वो चिढ़ जाएगा। तुम यही वो ठहरो, देखो चलो जल्दी आना, नहीं तो शराब का ठेका बंद हो जाएगा। मुनि बहुत ठंडी है यार, तक गया, चलो उधर जाके बैठेगा आराम से। शाह साहब है मगर नहीं, बस सिर्फ इतना कह दीजिए एक आदमी आया है। कौन है, क्या है? बंदूकी शाह साहब, मैं वही हूँ, डाकखाने का क्लर्क। सुबह मेरी गलती से आपने मुझे रुपए नहीं दिए। तुम्हारी गलती से मैंने रुपए नहीं दिए, मैं सब देकर आया हूँ जी। आप
जरा अपने जेब देखिए। क्या भक्ति हो, बेईमान आदमी समझते हो मुझे? बाजी कमीना कहीं के, चले जाओ यहाँ से। जी मैं कमीना, बाजी भी हूँ, मेरे तीन बच्चे जो हुए और बीवी, मगर आपको मेरे घर की बातों से क्या लेना। शाह मैं गरीब आदमी, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, मेरे हाथ पे तरस खाइए, हिसाब में कुछ पैसे बढ़ते हो तो दे डालिए, पूरे नहीं तो कम ही दे दीजिए। हुजूर मेरा है शासन, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर इतनी नहीं, मगर इतनी नहीं। अब होश आया, तमीज से बात किया करो। जी जो आप कहते हैं, जैसा आप कहते हैं शासन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन पैसे से पूरा एक महीना गुजारूंगा, एक एक लुकमा खाऊंगा और आपको याद किया करूंगा। परमात्मा आपको। बला के पति हम गजब का टंडी है मुनि। के बारिश हुई है, बहुत बड़ा बड़ा ओला पड़े किनार। जम गया यार, हम भी बर्फ हो गया यार। वो गिरदारी का बच्चा अभी तक नहीं आया कमबख्त, चलो चल के देखेगा उसको। हाँ अच्छा बताओ चंदा बेटे, तुम किसके बेटे हो? भाभी की है। मैं मर गई, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। भागे तो यूं आ रहे हो जैसे पुलिस पीछे लग। बस पुलिस ही समझो। मुन्ना बेटा जब हर दरवाजा बंद करने चले, वो खान और मुन्नीलाल है ना, आज उससे कहने लगे हमारे साथ शराब पियो। मैंने कहा कभी नहीं कभी नहीं, कहने लगे तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। मैंने कहा मैं भागा। कैसे दोस्त है आपके, ऐसे ही क्या खून बरस रहा है उनके घरों पर? यहाँ खाने को रोटी नहीं, पहनने को। खरीदा तुमने कोट का कपड़ा? फिर वही कोट, जब देखो कोट 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 कोट। आज तो तुम्हारे कोट ने बेड़ा ही घर कर दिया था। इसके ख्याल में मैं एक आदमी से मनी ऑर्डर के पैसे लेने ही भूल गया। वो तो जाने किसके पाव के खराज मिल गए। वो लोग आ ही रहे हुए, तुम उनसे मत कहियो मैं घर आ गया हूं। लाल परी मोती जड़ी, मैं गुलफाम है, लाल लाल है, गड़म में खुशहाल है। टोको टोको। वही वही बेटा बेटा, तुमसे कहना नहीं ना डरते हो? झूठ कैसे बोल दो? बोल देना बड़ी आई है सिस्टर की बच्ची। पिता क्यों नहीं कह देते मैं शराब नहीं पीऊंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया जाती है। घर वालों पे तो बड़े शेर होते हो, बाहर मुझसे मियाँ भी नहीं निकलते। अरे क्या बात करते हो, हम ऐसी बीवी हमको मिलती तो हम भी दन मुरीद हो जाता। क्या बीवी है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। सलाम भाभी जी। सलाम भैया। आप अंदर आओ ना। नहीं भाभी, बात यह है कि हमें बहुत जरूरी काम है। कहाँ है तुम्हारा? हमारा यहाँ अंदर है, आप आइए। तो इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़े हैं? हम यहाँ ठीक है भाभी जी, आप उसको इधर भेज दीजिए। ना आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आप उसको भेज दीजिए ना भाभी जी। नहीं नहीं आप आइए ना। नहीं है, नहीं है। वो शेर का बच्चा है, बिल्कुल गिरदारी की तरह बात करते हैं। बैठिए मैं चाय ले आती हूँ। नहीं भाभी चाय नहीं पिएगा, उसे पहले बाहर निकालिए। निकालती हूँ मगर चाय पीनी ही पड़ेगी। आप कौन रोज रोज हमारे घर आते हैं? पानी रखा हुआ है? मर गए यार, अगर चाय पी ली तो इसका मजा जाता रहेगा। हम जानते हैं यार, मगर क्या करेगा, ये सब उस खबीज के बच्चे का बात है। जरा ले लेते हैं खबर उसकी। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? ओहो तुम चला गया था। अभी उल्टा हमें बनाता है कभी ने पाजी। हर का बच्चा सोच हो। बच्चा लोग तो सब ठीक है ना भाभी? हाँ भैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गिरधारी? हाँ हाँ दुआ है तुम्हारी। गरम खुश दिए, गरम पानी पिलाता है। बच का बच्चा सारा मजा किरकिरा कर गया तो करेगा।
बेईमान शैतान, चलो हमारे साथ। पूछ कैसा हूं? बच्चा लोग पढ़ते है? हाँ खान, छोटी पहली में पढ़ती है, वो तीसरी में, और छोटा वो कहाँ गया? वो मस्त मलंग है। अच्छा अच्छा, परमात्मा उम्र दे, एक दिन बड़ा होगा। क्यों नहीं, उसका ब्याह होगा, शादी होगा, मैरिज होगा, बेटी जाएगी भाभी की, बहू आ जाएगी। चक्कर तो बना ही हुआ है दुनिया का भैया, तुम्हारे भी तो बड़े हो गए, और खान भैया ने तो अभी तक शादी भी नहीं की। शादी क्या करेगा भाभी, पैसा होएगा तो मुल्क को जाएगा। अभी तो बहुत गरीब आदमी है, क्लर्क होगा, सब होगा खान भैया। चल बाहर निकाल पैसे, तुमने कॉल किया, तुमने शराब लिया। अरे बाबा पैसे ले लो, मेरी जान छोड़ो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत कैसी तैसी? ओए जालिम का बच्चा उठना, मुझे माफ कर दो ना। ओए आज नहीं पिएगा तो तेरे को खुदा भी माफ नहीं करेगा। ओए जालिम का बच्चा, तू दोजख में जाएगा, दोजख में। बड़ा खुश नसीब है तू गिरधारी, ये घर नहीं जन्नत है जन्नत। अरे ये सब भाभी की बदौलत है। बोले ये शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। हाँ हाँ, क्या चाय बनी है? वो मजा आ गया भाभी, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने कहा जी आप चिट्ठे की बोतल लाए और मुझे बताया। कितने दिन चढ़ा आज फिर खैर नहीं। गीता तुम अभी तक सो रही हो, उठो ना, नहीं उठोगी? अच्छा तो आज मैं भूखा ही दस्तक चला जाता हूँ। बच्चे कहाँ हैं गीता? बच्चे कहाँ हैं? मैं हूँ राजा, तू है रानी, कौन भरेगा पानी?
राजा तू है रानी, कौन भरेगा पानी, चल भर लोटे में पानी। दीदी नींद की तो पानी मेरी रानी, दीदी नींद की तो पानी मेरी रानी, चल भर लोटे में पानी, चल भर लोटे में पानी, चल भर लोटे में पानी। दीदी नींद की तो पानी मेरी रानी, दीदी नींद की तो पानी मेरी रानी, दीदी नींद की तो पानी मेरी रानी, दीदी नींद की तो पानी मेरी रानी। बस हत्या का प्रोग्राम हो जाए, पहले हाथ मुंह धो लो और ये अपनी झुलके को ठीक कर लो। अजी होती रहेगी। आज चाय का मजा ही आ रहा है। बड़ी हो गई ना मेरी बेटी, अब माँ को सुख देगी। सुख देगी उन्हें जिनके घर जाएगी। हाँ गीता, चार पांच साल में टोपी मुन्ना चला जाए। बड़े रोने हो तुम, तो जब मेरी डोली गली थी तब भी रो दिए थे। हाँ गीता, मैं कुछ ऐसी मट्टी से बना। आज मैं बाजार जाऊंगा और बिटिया के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। जा बेटे कलम दराज पर ले, लिख ले। बाबू जी पेंसिल भी लाना, गुलाब जामुन भी लाना। नहीं गुलाब जामुन नहीं, बाबू जी अपने कोट का कपड़ा लाए। मिली गुड़िया लाना तो सेली के गुड्डे से ब्याह करूंगी। नहीं जी, सिर्फ कोट का कपड़ा लाना। जामुन भी लाऊंगा, गुड़िया भी लाऊंगा और गुब्बारे भी लाऊंगा। और मेरे पेट में गड़बड़ रहती है ना, दवा खाने से त्रिफल जमाने में ले आऊंगा। और गीता तेरे लिए, मैं तेरे लिए बुंदे, सफेद सूट के लिए सफेद बुंदे। हटाओ जी, पहले तुम अपने कोट के लिए गीता। मुई मुर्दी, मैं जब इनके कोर्ट की बात करती हूँ ये बीच में अपनी दस्तूती ले आती है। दो एक रुपए और दे दो, 100 की रेजगारी नहीं मिलती। भूल ना मत कोर्ट का कपड़ा। हाँ और बुंदे भी। राजू गुड़िया ऐसे कर। ओपी मैं तेरी दस्तूती जरूर लाऊ। हाँ हाँ सारी दुनिया खरीद लो ना 100 रुपये में। तूने समझ क्या रखा है 100 रुपये? आपको क्या चाहिए जी? बुंदे ये रहे 35, 45 और 55। बुंदे और इतने महंगे जी? कैसा मदीदा है, शर्म नहीं आती जी? माफ कीजिए, मैं तो जरा, आप जरा तशरीफ ले जाइए यहां से, जाइए। देखिए मैं 20 रुपए नहीं सिर्फ 10 दे सकता। ये मुझे मकान का किराया देना है, बिजली का बिल, बीमे के पैसे और फिर मंगल सिंह की लकड़ियों का। अजीब आदमी हो, मुझे मंगल सिंह से क्या लेना है? पूरे दाम है तो निकालो, नहीं तो। अच्छा देखिए भाई साहब, मेरा लड़का इस ट्रैसिकल पे चलेगा तो कितना खुश होगा। आप नाराज क्यों होते हैं? 10 इस महीने ले लीजिए, 10 अगले महीने ले लीजिएगा। हाँ जी, गुलाब जामुन है? हाँ जी, कितनी चाहिए? दे दो एक दर्जन। अच्छी बात है। कचौरियाँ? हाँ जी बिल्कुल गरम गरम है। अच्छा तो
तो ऐसा करो गुलाब जामुन डाल दो कुल्हड़ में और मैं जरा कचौरियों का प्रोग्राम करके अच्छी बात है अंदर आइए देख छह और लिया बेटों के लिए जी मेहरबानी अरे मेहरबानी काहे की क्या काम करते हो जी मैं लोको शॉप में अप्रेंटिस हूँ शागिर्द पंखों के आर्मेचर बनाता हूँ आजकल तो बहुत सर्दी जी मैं दिन में नेकटाइयां बेचता हूँ और रात को पढ़ता हूँ मेहनत करते हो तब तो तुम्हारा हक है मैं फाड़ू फिर तुमसे एक नेकटाई खरीद लूंगा जो मेरे स्कोर्ट को मैच करे जी मैं लाता हूँ पहले खा तो लो तुम तो खाओ खाने पीने से क्या अच्छा है खाओगे सेहत बनाओगे जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो 30-30, 40-40 कचौरियां एक साथ खा जाया करते थे जब तो ये जान है और डाखाने की नौकरी कर लेते हैं बोल ये साहब ऐसा कुछ लाइए जो स्टाइल से मैच करे अरे भाई फिर दुखती रख छेड़ दी 100-125 तनख्वाह मिलती है किसी ना किसी तरह से गुजारा हो जाता है यहाँ शहर में तो एक से एक पड़ा है मगर उधर गांव में बड़ी इज्जत है जिस तरफ चले जाओ लोग नमस्ते सलाम करते करते बिछ जाते हैं कहते हैं बाबू आया है कोई बात नहीं और आ जाएगा क्या लाला कितने पैसे हुए पैसे बस बाबू जी 2 रुपए चार आने बस मेरे पैसे गुम हो गए लाला मेरे पास 100 रुपए का नोट था अब नहीं मैं सच कहता हूँ लाला बीवी ने मुझे नोट दिया था मैंने इस अंदर की जेब में रखा था अब क्या हुआ बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा जाओ जाओ बाबू यहाँ बहुतों के नोट गुम हो चुके मुझे काहे की कसम डलवा लो लाला मैं जाओ 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 मैं पैसे दे जाऊंगा लाला जी मैं ऐसा आदमी नहीं पहले पैसे दे जाइए फिर बाद में ले लीजिएगा मैंने जैसे बिल निकाले थे बिल आए हैं मगर पैसे ये ना मेरा नोट अरे अरे तेरी मोर लगी है पर ये नोट मेरा है तेरे बाप का है पकड़ो मार ये नोट पहले दिया है पहले अभी कराची की खरीदा है मेरा नोट कहाँ गया मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा मेरा नोट मेरा 100 का नोट यहाँ तो नहीं गिर गया 100 का नोट देखा भी है कभी हाँ सेठ साहब मेरा 100 का नोट कहीं गिर गया
क्या करने आए हो? अभी तो रात भी नहीं गुजरी। चीजें कहाँ हैं? मैं समझी, चले गए होगे दोस्तों के साथ शराब खाने। मुझ मरी बेटी का तुम्हें ख्याल नहीं, इन बच्चों का तो क्या होगा? नसीब चले दिन भर मुंह उठा उठा के देखते रहे, अभी थक कर सोए। क्या पता था बाप शराब। गीता, मैं मर गई। क्या हुआ? नोट गुम हो गया। गुम हो गया तो क्या हुआ? तुम कम न करो, तुम्हें मेरी सौगत, मेरे सर की सौगत, मेरा मरी का मुंह देखो जो एक भी आंसू बहा। मैं कर लूंगी, कुछ ही कर लूंगी, ऐसे हजार कमाए, हजार कमाए तो होता सब कुछ। तुम नींबू का फायदा नहीं जानता खान। हकीम बुआली सेना ने लिखा है कि नींबू जहर के लिए त्रियाक का काम करता है। वो हम बुआली सेना को भी जानते हैं और तुमको भी जानते हैं। सर में दर्द हो, पेट में वर्म हो, हैजा हो, कोलंज हो, लकवा हो, अधरंग हो, नींबू सबको फायदा करता है। और जो सबसे बड़ा फायदा है कमीने, उसकी बात ही नहीं। क्या बस आधा नींबू किसी की दाल में निचोड़ा और बराबर खाने बैठ गए? वो तो फिर है वो नहीं भैया, पर नींबू है वो चीज। ओ नींबू निचोड़ का बच्चा, काना है तो काना खाओ, मगर हमारे सामने नींबू का तारीफ मत करो। नहीं करूंगा खान, नहीं करूंगा। क्या बात है गिरधारी, तुम काना क्यों नहीं खाते? कुछ नहीं खान भैया, कोई बात नहीं। कुछ तो है यार, हमको क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं खान भैया, तुम्हारी भाभी घर में भूखी बैठी होगी बेचारी, जो कुछ था मुझे पका के दे। लेकिन उस दिन तो हम तुमको 10 रुपया दिया था यार। खर्च हो गया खान भैया, उसमें से आधे तो दूध वाले ने ले लिए, 5-10 और दे दो, मेरे कुछ दिन और कट जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है खुदा की कसम गिरधारी, हम सब मुल्क को बेचती है। हमारे पास एक भी पैसा होता था तो हम शादी करता था। यहीं से 4 पैसे दिला दो, किसी से कहना नहीं, मैंने एक ट्यूशन ले रखी है, महीने के बाद जब पैसे मिलेंगे तो मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। तुमको तो मालूम है बिरादरी मन कि हम अपना कुला भी तुम्हारे लिए बेचने को तैयार है, मगर तुम्हारे पास खुदा है अपने पास वो भी नहीं। मगर तुम खाना तो खाओ यार गिरधारी लाल। हाँ खाओ जी खाओ, रोगना लगाओ जी को, नहीं तो हाजमा चौपट हो जाता है। कहो तो नींबू निचोड़ दूं तुम्हारी दाल में। तुम नहीं जानते गिरधारी, नींबू वो अक्सीर है। ठीक कहता है, नींबू वो अक्सीर है कि जिसका जवाब नहीं। इसने एक फायदा बिल्कुल नहीं बताया। क्या हम बताते, नींबू हमको दो। ये नींबू को जिसकी जेब के अंदर निचोड़ दो मालूम हो जाता है कि उसके अंदर कितना पैसा है। कुछ नहीं खान, अपने पास कुछ नहीं, तेरी जान। झूठ बोलता है भाई कभी भी। निकाल 10 रुपया निकाल बोलता। नहीं है खान, वो पीर की कसम अपने पास नहीं है, चाहे चला चलिए। अच्छा तुम क्या समझता है खानजी कि हम तुमको छोड़ देगा? निकालो पैसा। ओ नहीं है खान, ओ नहीं है खान, क्या बता आता है सर। ओए हमारा दोस्त और हमारा भाई भूखा मरता है और तुम पैसा रखते इधर। ओ खान ये क्या है, बेईमान सूदखोर का बच्चा, ये क्या है? ओ छोड़ दे खान छोड़ दे, ओ मेरे लिए खान, ये पैसा अपना नहीं बीवी का है, ओ बीवी मारेगी खान, ओ मैं मर जाऊंगा खान। मर जाओ, अभी ना, अभी ना। ओ देख क्या पकड़ो ना यार, ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया। पैसे वापस कर दूंगा काशी भैया। और तुम इसका पैसा वापस करेगा तो हम तुम्हारा गिची टोकते हैं। जितनी दफा ये नींबू निचोड़ कर दाल खाया उतनी दफा कम पैसा खाता है, सब हिसाब बराबर हो गया। तुम ये 10 रुपए लो और भाग जाओ। ओ गिरधारी ओ जाता है यार। ओ गिरधारी कहाँ जाते हो, मेरे पैसे दे जाओ। Thank you.
वकील साहब चले गए। हाँ मैं तुमसे मिलने आई थी भाभी। और मैं तुम्हें बुलवा रही थी। जरा एक काम तो कर दे मेरा रानी। हाँ कहो। तू तो जानती है मैं बाहर नहीं जा सकती। जरा मंदिर में जा, थोड़ा आटा मेरी तरफ से चढ़ावे में दे दे। हाँ जरूर भाभी। प्रकाश बेटा जरा जाओ तो अपनी चाची को थोड़ा आटा दे दो।